न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, जो कि एक भारत सरकार का उद्गम है, आईटीआई पास आउट कैंडिडेट्स के लिए अप्रेंटिसशिप की वैकेंसी निकाली गई है। तो यहाँ पे आप अगर देखोगे तो 295 टोटल पोस्ट की वैकेंसी रिलीज की गई है, जहाँ के अलग अलग कैटेगरी वाइज आप यहाँ पे देख पाओगे, सीटों का ब्रेकअप्स देख पाओगे। हम यहाँ पे सारे डिटेल्स को आप लोग को डिस्कस करने वाले हैं, कब से कब तक फॉर्म भरने का लास्ट डेट है, कैसे फॉर्म भरना है, सभी को हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो आईटीआई पास आउट कैंडिडेट बिल्कुल गौर से इन चीज़ों को समझेंगे। चलिए बात कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे क्या क्या चीजें दी गई हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि ये जो है आपका साइट की, मैं अगर बात करूँ तो तारापुर महाराष्ट्र साइट से निकाला गया है, बट ऑल ओवर इंडिया लड़के या लड़कियाँ इच्छुक जो भी हैं इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, कोई इसमें किंतु परंतु नहीं है। ठीक है, चलिए अब बात करेंगे कि यहाँ पे जो है कोई भी फीस नहीं लगने वाला है फॉर्म भरने का। दूसरी बात कि आपको यहाँ पे जो है फॉर्म भरने की जो जो तिथि है ऑनलाइन फॉर्म, वो 11 जनवरी से शुरू हो चुका है, सुबह के 10 बजे से। लास्ट डेट अगर बात करेंगे तो 25 जनवरी तक रखा गया है फॉर्म भरने का अंतिम तिथि, शाम के 4 बजे तक। देखिए अगर बात करेंगे तो फीटर, टर्नर, इलेक्ट्रीशियन, इस सभी ट्रेड्स यहाँ पे देख पा रहे हो आप। और यहाँ पे फिटर के लिए 25 सीट, टर्नर के लिए 9 सीट, इलेक्ट्रीशियन के लिए 33 सीट्स, वेल्डर के लिए 38 सीट, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक के लिए 16, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक के लिए 6, फिर रेफ्रिजरेशन आरएसी से देखिए 20 है, कारपेंटर से 19, प्लम्बर से 20, वायरमैन से 16, डीजल मैकेनिक से 7, फिर यहाँ पे एमएमवी जो होता है मैकेनिक मोटर व्हीकिल के लिए 7 है, मशीनिस्ट के लिए 13, पेंटर से 18 दिया गया है। उसके बाद यहाँ ड्राफ्टमैन मैकेनिकल से 2 है, ड्राफ्टमैन सिविल से 2 है, फिर ICTSM जो होता है ये 18 पोस्ट है, यहाँ पे कोपा से 18 है, 2 हो गया यहाँ पे स्टेनोग्राफी इंग्लिश हिंदी से 2, और फिर असिस्टेंट सेक्रेटरीट जो सेक्रेटरियल असिस्टेंट के लिए 4। तो टोटल 295 यहाँ पे जो है पोस्ट है। 1 साल की आपकी ट्रेनिंग होने वाली है और आईटीआई पास आप कर रखें, किसी भी यहाँ जितने भी ट्रेड दिए हैं, 21 ट्रेड जिसमें भी किए हैं, आप फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। जो भी पहले से अप्रेंटिसशिप कर लिया है या कर रहा है तो वो इस फॉर्म को अप्लाई नहीं कर सकता है। बात करेंगे कितना मिलेगा, तो देखिए यहाँ पे आप आईटीआई, आपने 2 वर्ष का जो आईटीआई अगर आपने किया है, जैसे कि इलेक्ट्रीशियन होता है, फिटर होता है, तो वैसे स्थिति में आपको 8855 रुपया पर मंथ मिलेगा। और अगर आपने 1 ईयर जो है कोर्स आईटीआई किया, जैसे वेल्डर वगैरह सब 1 ईयर का होता है, तो 7700 रुपया आपको पर मंथ दिया जाएगा। एज का जो कट ऑफ रखा गया है, देखिए 25/1/2023 तक अगर आपका एज 14 साल से कम नहीं होना चाहिए और जो है आपका 24 साल से अधिक नहीं होना चाहिए। ST/ST की बात करेंगे तो 5 वर्ष यहाँ पे अतिरिक्त जोड़ दीजिए इसमें, और जो है 24 में जोड़ दीजिए तो हो जाएगा 29। अगर OBC की बात करेंगे तो 27 वर्ष 3 साल जोड़ दीजिए, और जो आपके PWD वाले जो 10 वर्ष में जोड़ दीजिए, तो 34 + 10 मतलब 34 हो जाएगा, 24 + 10 34 हो जाएगा। चलिए यहाँ पे कुछ हाइट्स वगैरह बोला गया है, तो 137 सेंटीमीटर से आपका कम नहीं होना चाहिए। यहाँ पे देखिए 25.4 kg से आपका वजन कम नहीं होना चाहिए। चेस्ट फुलाने पर कम से कम 3.8 सेंटीमीटर फुलना चाहिए। विजन की बात करेंगे तो ये सब नॉर्मल आपका होना चाहिए। कैसे इसका सिलेक्शन होगा, तो मार्क्स जो भी आप आईटीआई में लाए हो उसी के आधार पर आपका यहाँ सिलेक्शन होने वाला है। सिर्फ भारतीय अप्लाई कर पाएंगे। फिर यहाँ पे गवर्नमेंट नॉर्म्स के अकॉर्डिंग ST/ST OBC EWS का रिजर्वेशन आपको मिलने वाला है। ट्रेनिंग जो होगा आपको तारापुर महाराष्ट्र साइट में होगा। उसके बाद यहाँ पे 1 साल का ट्रेनिंग होने वाला है। पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट जब सिलेक्शन होगा उस टाइम आपको जरूरत पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे आपको हॉस्टल या फिर ट्रांसपोर्टेशन का सुविधा नहीं दिया जाएगा। देन यहाँ पे अगर जो है आप एक से ज़्यादा ट्रेड में अप्लाई करना चाहते हो, तो आपके पास अगर एक से ज़्यादा ट्रेड में है तो आप अलग अलग सेपरेट फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। जो भी इस साइट के, ये जो प्लांट है, इसके अगल बगल एरिया के लड़के होंगे उनको ज़्यादा प्रेफरेंस दिया जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आपको फॉर्म भरने के लिए आपको सबसे पहले 2 काम करना होगा। एक तो apprenticeshipindia.org पे भी आपको जाकर रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, और वहाँ पे आपको ये जो एस्टेब्लिशमेंट नंबर है E0, आप जो ये देख रहे हो ये वाला, इसको सर्च कीजिए और फिर वहाँ पे अप्लाई कीजिए जो भी आपका ट्रेड है। ठीक है, पहला काम ये हो गया अप्रेंटिसशिप इंडिया पे, प्रोफाइल 100% कंप्लीट करके उसके बाद npcilcareer.co.in पे भी आपको फॉर्म फिलअप कंप्लीट करना पड़ेगा। तो 2 जगह आपको अप्लाई करना पड़ता है इस वाले फॉर्म के लिए। ठीक है, विशेष जानकारी आपको, अगर आपको कुछ और चाहते हैं इस पर जानकारी, तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आप डिस्क्रिप्शन में जो है लिंक मिल जाएगा अप्लाई का, तो आप उसको भी चेकआउट कर पाइएगा। डिस्क्रिप्शन में हमने जो है यहाँ पे लिंक दे दूंगा। यहाँ पे देखिए अप्लाई का यहाँ पे सेक्शन है, इस पर जैसे क्लिक कीजिएगा ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन पे यहाँ पे आपको क्लिक करना होगा। देन यहाँ पे आपको जो है आप यहाँ पे यूनिट वगैरह सब सेलेक्ट करके आगे इन फॉर्म को भर पाइएगा। ठीक है, तो साथियों आज के लिए इतना ही। कमेंट पे आप अपने वैल्यूबल
जो भी आपके कमेंट्स होंगे, जो भी आपकी परेशानी होगी, आपको आप मुझसे पूछ सकते हैं। और सब भी अपडेट से चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आप वीडियो को जरूर एक लाइक जरूर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।